हमारे गोवा सरकार ने 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए साइबर स्कीम के अंतर्गत हर एक को कंप्यूटर दिए हैं, लेकिन वो कंप्यूटर पूरे से पूरे घटिया क्वालिटी के निकले हैं। कंप्यूटर तुम जाना मेळो नी तेन्ना सोन कितल्या दिसान तुगे प्रॉब्लम झालो कंप्यूटर? एक महिने स्टार्ट आसलो, मागीर नंतर मळ्ळो रोकडे। म्हणजे तेन्ना मळ्ळ्या उपरांत तुवें सारकें पावन दिलो काय कितें? हय, ते काणकोण कितें म्हणटा मरे ते सिग्मा। म्हणजे नेमके कितें गेलें पार्ट्स, कितें प्रॉब्लम झालो? मदरबोर्ड गेला असं म्हणटालो। तुका स्कुला मेळ्ळो कंप्यूटर, कितलो टेप येयलो? म्हाका जेन्ना स्कुला कंप्यूटर मेळ्ळो तेन्ना 2 महिन्यागीर म्हजो CPU प्रॉब्लम झालो आणि मदरबोर्ड गेलो। सो हो कंप्युटरचो प्रॉब्लेम तुकाच झाला का तुगे वांगडा आशिल्ल्या भुरग्यांकूय झाला? ना, जेन्ना आमचे भुरगे शिकताले, आम्ही 7-8 जण आशिले, आम्ही खोतिगांव हितून विलेजी, पण तातूंतल्या 8 जणांतले आम्ही 5 जणांचे कंप्युटर मोडला, 2 जणांचे तसे चलता। इससे साफ अंदाजा लगता है कि इसके अंदर का सामान घटिया क्वालिटी का है और अत्यंत कम दाम का है। सरकार ने दिए गए एक कंप्यूटर बार बार निकामी होने के कारण बच्चों को ये चलाने के बजाय ये ठीक करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। इसके साथ साथ ये सर्विस सेंटर में लाने और लेने में बहुत खर्चा करना भी पड़ रहा है। जेन्ना आमचे कंप्यूटर मोडले तेन्ना आमकां 25 किलोमिटर मोटरसायकलीन वचपाक पडलें। त्या बसीन वयता म्हळ्यार बसी प्रॉब्लम जावपाक लागलो, बसी गर्दी उरता, त्या खातीर 200-500 रुपया दिवन मोटरसायकली पायलट मारपाक पडलो। कंप्युटरा वांगडा आमकां जेन्ना प्रिंटर दिल्ले तेन्ना प्रिंटर बी मोडले आशिल्ले, आनी तेन्ना 3 पाटी सर्वीस सेंटरा व्हरून दिलो, तरी आसतना आतां मोडलेलोच आसा। 2 महिन्यांनी कोणाची मोस्टली सगळ्यांचेच हे कंप्युटर डॅमेज झाले, कोणाचो SMPS गेलो, कोणाचो मदरबोर्ड गेलो, कोणाचो आणि UPS गेलो, अशें करून ते खंयची ह्यो वस्तू तेंचे कंप्युटर जे दिल्या पळय ते खंयचो एकूय कोणाचो वेवस्थीत चलना। डुप्लिकेट माल दिवचे पेक्षा किंवा कमी रेटीची दिवचे पेक्षा त्यो सरकारान एक तर ती स्किम बंद करची, ना जाल्यार आनीशे थोडेशे चड पैसे फारीक करून त्या भुरग्यांक ती वस्त जी आसा ती बरी मेळटली ही सरकारान प्रयत्न करचो। आमी जर सरकारान बरें कंप्युटर दिलें जाल्यार बरें शिकतले, आनी हेच फुडले भुरग्यांक बरें कंप्युटर दिवचे सरकारा कडेन मागणी आसा। सरकार को अगर हमें कंप्यूटर देना चाहिए तो हमें अच्छे से अच्छे कंप्यूटर दे, ताकि हम जैसे गरीब इलाके के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफें ना हो। इसी समस्या को लेकर शिक्षा विभाग में या मंत्री को खत लिखकर हमें ये कहना है कि इस पर कड़ी से कड़ी नजर रखें। मैं देवीदास गांवकर और ये मेरे समुदाय के हैं।